अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ आयशा सुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। अमरीकी फौज के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर शकील आफरीदी को 30 साल कैद की सजा। बलोचिस्तान बदअमनी केस, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि वजीर आजम ने कुछ ना किया तो इमरजेंसी समेत तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हुकूमत ने बलोचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमेटी बना दी। कायदा कहते हैं सूबे में इमरजेंसी का फैसला अदालत नहीं करेगी। कराची वाकई की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। शहर में 2 माह के लिए रैलियों पर पाबंदी की तजवीज। शहबाज शरीफ की कराची रैली पर फायरिंग की मुजम्मत, कहते हैं पुरम एहतजाज और जलसे जलूस जमहूरी हक है। वज़ीर आज़म से एतजाज अहसन की मुलाकात, तौहीन अदालत केस में अपील दायर करने के हवाले से मुशावरत। लाहौर में टोयोटा मुलाजमीन का रेगुलर ना किए जाने के खिलाफ एहतजाज, सेक्रेटेरिएट के सामने धरना। और दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन, शेखुपुरा में तालिबा से इज्तमाही ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार।